वेलकम टू वीलर्न। वीलर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी सेकंड और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड, सेशन नंबर टू, टॉपिक ब्रांच अकाउंट्स टू। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच, सम पेक्यूलियर आइटम्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच, ट्रायल बैलेंस इन द हेड ऑफिस बुक्स, क्लोजिंग एंट्रीज इन ब्रांच बुक्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन। डिपेंडेंट ब्रांच इज यूजुअली ए स्मॉल ब्रांच विच मेयरली फंक्शंस एज ए सेल्स डिपो। जो ब्रांच डिपेंडेंट टाइप की होती हैं, दैट मीन्स जिनके अकाउंट्स हेड ऑफिस में मेंटेन किए जाते हैं, नॉर्मली ये पाया जाता है कि वो छोटी ब्रांच होती हैं। उनके जो ट्रांजेक्शन्स स्मॉल काइंड के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इट डज नॉट कीप फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। द मेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर सच ब्रांचेज आर मेंटेन्ड एट द हेड ऑफिस लेवल। बट वेन अ ब्रांच फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट एंड एंजॉयज सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, इट कीप्स फुल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। सच ब्रांचेज आर टर्म्ड एज इंडिपेंडेंट ब्रांचेज एंड मेंटेन कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। दे प्रिपेयर देयर ओन ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड ऑल्सो बैलेंस शीट। अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो किस तरह से होता है। द मेन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ सच ब्रांचेज आर एज फॉलोज। नंबर वन, द ब्रांच मेंटेन कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जैसे कि कैश बुक बनाते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस सेटअप करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट ब्रांच होती हैं, उसका जो सिस्टम होता है वो कंप्लीट इन नेचर होता है। द ब्रांच ओपन्स अ हेड ऑफिस अकाउंट इन इट्स बुक, और उसके साथ जो है वो हेड ऑफिस का अकाउंट्स भी बनाते हैं। इट इज पर्सनल अकाउंट वेयर इन ऑल ट्रांजेक्शंस बिटवीन द ब्रांच एंड द हेड ऑफिस आर रिकॉर्डेड एट द ब्रांच लेवल। द हेड ऑफिस ऑल्सो मेंटेन अ ब्रांच अकाउंट इन इट्स बुक्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस इट मेक्स विद ए पर्टिकुलर ब्रांच। अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच टू। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द ब्रांच प्रिपेयर्स इट्स ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनल अकाउंट्स एंड सेंड देयर कॉपीज टू द हेड ऑफिस। एज सून एज द हेड ऑफिस रिसीव द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम अ ब्रांच, इट कंपेयर्स द बैलेंस इन द हेड ऑफिस अकाउंट एज सोन इन द ब्रांच ट्रायल बैलेंस विद द बैलेंस इन द ब्रांच अकाउंट एज इट्स अपीयर इन द हेड ऑफिस बुक्स। After reconciling the head office account's balance with branch account balance, the head office passes the necessary entries for the incorporating various branches balances in its books. Some peculiar items like goods in transit, जो रास्ते में goods होता है वो जो head office से चला हुआ है but अभी तक branch पर नहीं पहुंचा तो उसको हम goods in transit कहते हैं। The head office and the branch send goods to each other quite frequently. When goods are sent by the head office to the head office debits the branch account in its books immediately. But the branch credits the head office accounts only when it receives the goods. Similarly, when the branch sends or returns some goods to the head office, it or the branch debits the head office account in its books immediately, but the head office credit the branch account only when it receives the same. That means आपने देखा कि just opposite entry दोनों ही accounts में की जाती है। Head office branch की branch account branch जो है जो general entry करता है उसकी opposite entry जो है head office करता है। Cash in transit, अब कैश इन ट्रांजिट जो रास्ते में कैश होता है उसकी क्या एंट्रीज की जाएंगी। लाइक गुड्स कैश इज ऑल्सो रेगुलरली रिमिटेड बाई द हेड ऑफिस
एंड द ब्रांच टू ईच अदर. फॉर दिस द एंट्रीज आर मेड इन बोथ सेट्स ऑफ बुक्स इन द सेम मैनर एज दे आर मेड फॉर द गुड्स. इन केस ऑल्सो इट इज पॉसिबल दैट सम रिमिटेंसेस आर इन ट्रांजिट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द बुक्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर. ऐसा भी हो सकता है. दिस वुड अगेन लीड टू डिफरेंस इन ब्रांच अकाउंट बैलेंस इन द हेड ऑफिस बुक्स एंड हेड ऑफिस अकाउंट बैलेंस इन द ब्रांच ऑफिस बुक. दैट मीन्स जब आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे होते हैं उस समय अगर कुछ कैश जो है वो ट्रांजिट में होता है तो उसकी एंट्री आपके यहाँ नहीं हो पाती है. जबकि हेड ऑफिस जब कैश रिलीज कर चुका होता है तो उसको जो है वो आपके नाम में क्रेडिट कर चुका होता है. तो जो है उस केस में आपकी बुक में और हेड ऑफिस की बुक में डिफरेंस डेफिनेट आएगा. देन हेड ऑफिस एक्सपेंस चार्जेबल टू ब्रांच. द हेड ऑफिस मे लाइक टू एलोकेट अ पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंसेस टू ब्रांचेज फॉर द सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज एट द हेड ऑफिस लेवल. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्वाइट ए गुड्स अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ द हेड ऑफिस स्टाफ मे बी स्पेंट इन डूइंग द वर्क ऑफ द ब्रांचेज. हेंस इट मे डिसाइड टू चार्ज अ पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज टू द ब्रांचेज. द सेम थिंग्स मे बी ट्रू ऑफ सर्टेन अदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट मेंटेन्स एंड बाय हेड ऑफिस. समटाइम्स द अकाउंट्स फॉर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेज आर मेंटेन्ड एट द हेड ऑफिस लेवल. इन सच ए सिचुएशन ऑल एंट्रीज इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स आर मेड इन द हेड ऑफिस बुक्स. फॉर एग्जाम्पल वेन अ फिक्स एसेट्स इज परचेज फॉर द ब्रांच द हेड ऑफिस डेबिट द ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट एंड क्रेडिट द कैश अकाउंट. नो एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन इज पास्ड बाई द ब्रांच अनलेस द पेमेंट इज मेड बाई द ब्रांच फॉर दिस परचेज. दैट मीन्स जब तक ब्रांच कोई पेमेंट नहीं करता उस एसेट्स के अगेंस्ट में तब तक वो जो है अपने अकाउंट्स में उसकी एंट्री नहीं करेगा. जबकि हेड ऑफिस अगर ब्रांच के लिए कोई एसेट्स परचेज करता है तो वो उसकी एंट्री जरूर करता है और वो एंट्री क्या होगी फिक्स एसेट्स बाई नेम फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट और टू कैश अकाउंट. सम पेक्यूलियर आइटम 5 इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन. व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मोर देन वन ब्रांच इट इज पॉसिबल दैट सम ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन वन ब्रांच एंड द अदर. दिस यूजुअली हैपन्स अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हेड ऑफिस. फॉर एग्जाम्पल अ ब्रांच में बी आस्क टू ट्रांसफर इट सरप्लस स्टॉक टू सम अदर ब्रांच विच मे नीड द सेम. जिसको हम इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन भी कह सकते हैं. इन सच सिचुएशन द यूजुअल प्रैक्टिस फॉर द सेंडिंग ब्रांच इज टू रिगार्ड इट एज ए ट्रांजेक्शन ऑफ रिटर्निंग द गुड्स टू द हेड ऑफिस. एंड नाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द हेड ऑफिस बुक्स. जस्ट बिकॉज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच कीप्स फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रिपेयर्स इट्स ओन फाइनल अकाउंट्स डज नॉट मीन्स दैट इट्स ईयर एंड रिजल्ट्स विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द हेड ऑफिस. इन फैक्ट एज इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेज द प्रॉफिट और लॉस मेड बाई एन इंडिपेंडेंट ब्रांच शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स विच शोज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी एज ए होल. सिमिलरली इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटी शैल ऑल्सो बी शोन एज ए पार्ट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. दिस इज डन बाई प्रिपेयरिंग द कंबाइंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द हेड ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेज. इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द हेड ऑफिस बुक. सेकेंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बैलेंस इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स. नंबर 1 इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स एंड लाइबिलिटी अकाउंट. फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच प्रॉफिट और लॉस द हेड ऑफिस मे आइदर पास वेरियस एंट्रीज टू इंक्लूड ऑल रेवेन्यू आइटम्स एंड प्रिपेयर अ प्रॉपर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स
और सिंपली पास वन एंट्री फॉर प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच आफ्टर वर्किंग इट आउट विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन एंड द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड आर्बिट्रेज्ड इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द हेड ऑफिस बुक. थर्ड डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन. एज स्टेटेड अर्लियर अंडर दिस मेथड द हेड ऑफिस प्रिपेयर अ प्रॉपर ब्रांच अकाउंट देन सेकेंड ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड मेक्स एंट्रीज फॉर ऑल रेवेन्यू आइटम्स बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग द ब्रांच एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन इट्स बुक्स. एवरेज्ड इनकॉर्पोरेशन. Incorporation of branch balances in the head office books can also be effected with the help of a shortcut method known as the averaged incorporation. Under this method, we prepare a memorandum branch trading and profit and loss accounts. And now, closing entries in the branch books. At the end of the accounting period, the branch books have also to be closed. For this purpose, the branch can pass the usual closing entries for transferring all revenue items to its trading and profit and loss accounts and ascertaining its net profit or net loss. The amount of net profit or net loss should be transferred to the head office account by passing the following journal entries. Number 1. In case of net profit, jab net profit aapko hoti hai, to profit and loss account debit to head office account. And in case of net loss, head office account debit to profit and loss account. Closing entries in branch books. Second, after the above entries for transferring net profit or net loss to the head office accounts has been passed, the balances in the head office account will be equal to the branch net assets or assets minus liabilities. The branch can then prepare its balance sheet by showing the head office account balance on the liability side as this account would normally show a credit balance. If however the head office account shows a debit balance, the same will appear on the asset side of the balance sheet. And now comprehensive illustration. As stated earlier, any organization having branches has to present the final accounts of the organization as a whole and not separately for the head office and for the branches. Hence, it prepares general profit and loss accounts, which includes the profit or loss made by the branches and draws a consolidated balance sheet to show the assets and liability of both the head office and the branch office. And now, do it yourself. Why is the incorporation of branch balances necessary in the books of the head office? And question number 2, name the two methods of incorporating branches balances in the books of the head office. And that's it from session number 2. Thank you.